हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ये सीपीयू है, डेल का है, ऑप्टी प्लस है, ये देखिए ऑप्टी प्लस जीएक्स 240 सीरीज का। इसमें ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ आएगा और फिर रीस्टार्ट मार देगा, ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हार्डवेयर इशू आता है, सॉफ्टवेयर इशू है नहीं, क्योंकि ये विंडो खुल नहीं रही है, ओपन नहीं हो रहा और यहीं रीस्टार्ट मार रहा है। तो रीस्टार्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है? हमें SMPS भी देखना पड़ता है, रैम भी देखनी पड़ती है, मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम आती है और हार्ड डिस्क का भी इशू होता है। तो सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज़ें हैं वो है हमारी रैम। रैम को हम साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। मदरबोर्ड जो है ये ऑलरेडी बहुत डस्टेड था, इसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद हमने ऑन करना चाहा, पहले तो ये ऑन नहीं हुआ। ऑन होने में इसकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसके स्विच की आ रही थी। इसका स्विच जो है ये काम नहीं करेगा तो ओके है, नहीं है, कुछ पता नहीं है, डेड में ही आ जाता है। तो हमने क्या करा है, इसका दो तार लेकर के इसमें बाहर से निकाल दिए ताकि आप टच करके ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ टच करके ऑन किया और इस तार को हमने यहाँ से लेके जो इसका पैनल है ये ऑन ऑफ स्विच का ये रहा, हटा करके इसका एक जो है कोने में इसको हमने कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा रीस्टार्ट ये सेट हमारा ऑन होने लगा। अब दूसरी समस्या आने लगी ये इसमें रीस्टार्ट की। एक तो हमने सॉल्व कर दी, पहले तो ऑन नहीं हो रहा था, ऑन कर दिया, अब हम इसको सही करते हैं इसकी रीस्टार्ट की। तो हम इसे बंद करेंगे। रैम इसमें दो लगी हुई है, हो सकता है एक रैम ख़राब हो एक सही हो, तो आप एक रैम को निकालें फिर ऑन करते हैं। ऑन करना, ऑन हो गया, ये देखिए बीप देखिए, इसका मतलब ये वाली रैम खराब है, रैम का ये सिग्नल दे रहा है। इस रैम को निकालें, दूसरी वाली रैम निकाल करके लगाते हैं। इस रैम में अगर मॉइस्चराइज़र आता है इसके प्रिंट पर तो उसे क्लीन भी कर दें, हमने कर दिया है पहले से ही। लो इसको लगाओ, कनेक्ट हो गई रैम, अब फिर से स्टार्ट करें, करो स्टार्ट। लगा दिए, टच करो, हो गया। देखो ये देखिए आपका चालू हो गया। अब आगे देखिए रैम का इशू है या किसका इशू है, रीस्टार्ट मारता है नहीं मारता। आगे जी ओके हो गया, लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बूटिंग में पहुंच गया। ये लो जी, ये सिस्टम अब ओके हो गया जी। तो इस तरीके से आप रीस्टार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर CPU में आ रही है तो, और अगर ऑन नहीं होता CPU आपका तो हो सकता है उसका स्विच भी ख़राब हो, तो स्विच को भी आप चेक कर लें, ना हो तो उसका फ्रंट पैनल का जैसे हमने ये करा है जुगाड़, ऐसे भी आप जुगाड़ करके चालू कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।